मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। कांग्रेस का साथ तेजी से नेताओं के छोड़ने के इस दौर में झारखंड के कांग्रेसी विधायकों के असंतोष के कारण केंद्र नेतृत्व काफी सतर्क हो गया है। केंद्र नेतृत्व ने झारखंड कांग्रेस के विधायकों के असंतोष को लेकर काफी गंभीरता दिखाते हुए मध्य प्रदेश के विपक्ष के नेता उमंग सिंगार को पर्यवेक्षक नियुक्त करते हुए मामले का समाधान निकालने की उम्मीद जताई है। वहीं कांग्रेस के विधायकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के लिए समय मांगा है। हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी के छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की प्रक्रिया लगातार दिखाते रहते हैं। अपने नेताओं के पार्टी छोड़ने से परेशान हुई कांग्रेस हाईकमान को झारखंड में उसके 12 विधायकों के विद्रोही तेवरों ने काफ़ी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पार्टी की चौतरफा चुनौतियों के बीच झारखंड की नवगठित चंपई सोरेन सरकार में शामिल नहीं किए जाने से 12 विधायकों के असंतोष के तेवरों को थामना राजनीतिक स्थिरता के लिहाज से बेहद ही जरूरी है। इसके लिए विधायकों के असंतोष को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने अपने रणनीतिकारों को तत्काल इस नाराजगी से संकट में तब्दील होने से रोकने के लिए लगा दिया है। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से झारखंड के प्रभारी और कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर को विधायकों से सीधे संपर्क और निरंतर संवाद करने के विशेष निर्देश दिए गए हैं। झारखंड में कांग्रेस विधायकों की नाराजगी से बढ़ी चिंता की सबसे सियासी मौके की तलाश में बीजेपी की निगाहें लगी हुई हैं। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय महाधिवेशन के कारण इस पर कुछ खास चर्चा नहीं हो पा रही है, लेकिन आज बीजेपी के राष्ट्रीय महाधिवेशन का अंतिम दिन है और ऐसे में कल से कोई सुगबुगाहट हो इसके पहले ही केंद्रीय नेतृत्व काफ़ी सतर्क हो गया है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व ने इस असंतुष्ट विधायकों के समस्याओं का समाधान निकालने के लिए अपने रणनीतिकारों को इसके पीछे लगा दिया है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार को इस मामले में विशेष रूप से लगाया गया है। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के नेताओं को जिस तरह से यहाँ पर लगाया गया है उससे विद्रोह की कोई गुंजाइश नहीं हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सूबे की सरकार की अस्थिरता को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से मुलाकात करने की रणनीति चंपई सोरेन ने बनाई है, तो चंपई सोरेन को ये डर भी सता रहा होगा कि कांग्रेस के नाराज विधायक कहीं झारखंड में कोई अलग खेल ही न कर दें। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी परेशान है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की परेशानी का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि देर रात कांग्रेस के विधायक जब राजधानी रांची में बैठक कर रहे थे उस बैठक में सोरेन परिवार के जिम्मेवार सदस्य और झारखंड सरकार में मंत्री बसंत सोरेन इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए वहां पहुंचे। नाराजगी कहीं नहीं थी, मन में कुछ बातें थी, उनकी भी कुछ शंकाएं थी, वो सारी शंकाओं को दूर किया गया और परिवार एकजुट था और परिवार एकजुट है। जी बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं जी। नहीं नहीं, ये उनके पार्टी की बात है, उनके देखिए कोई शंका ऐसी नहीं थी, कुछ चीजें थी, कुछ मुद्दे थे, वो सारी दूर हैं, कुछ संशय था वो भी जो है स्पष्टीकरण चाह रहे थे, जिसकी स्पष्टीकरण उनको दे दी गई है, वो संतुष्ट है और वो परिवार के साथ है और परिवार के साथ। बसंत सोरेन के लाख मनाने के बावजूद ये विधायक अपने बागी तेवरों को कम किए बिना ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में उनकी मुलाकात केंद्रीय नेतृत्व से होने वाली है और ऐसी स्थिति में इस पूरे बागी तेवर का जिस तरह से नेतृत्व बेरमो के विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह कर रहे हैं उससे उनके तेवर काफ़ी तल्ख दिखाई देते हैं और इस तल्खी की वजह से जिस तरह की बातें अब सामने उभर कर सामने आ रही है कि
चारों मंत्रियों के कार्यकलापों से वो संतुष्ट नहीं है और इस असंतुष्टि का परिणाम है कि 12 विधायकों ने बगावत कर दी है। हम लोग का आला कमान से बातचीत हो रहा है, हम लोग अपने शीर्ष नेता के टच में हैं। हम लोग अभी 8 विधायक यहाँ पर हैं, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, 2 विधायक एयरपोर्ट पर डायरेक्ट पहुँच रहे हैं और 2 विधायक कल आएंगे। हम लोग की जो बातें हैं वो हम लोग तमाम विधायकों ने एक मत में जाके हम लोग ने अपनी बातों को सीनियर नेताओं को बताया गया है और हम लोग पार्टी पे आस्था व्यक्त करते हुए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाकर जो भी AICC के तरफ से हमारे लिए एब्जॉर्वर नियुक्त किए जाएंगे, जिनसे बात करना होगा उनसे हम लोग बात करने का काम करेंगे। जैसे उस पर बात हो रही है, यहाँ से मुख्यमंत्री भी जी भी गए हुए हैं, आज झारखंड के बारे में मुझे पूरा भरोसा है कि कोई समाधान निकले। ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, ऐसे हम लोग को सूचना है, उनसे हम लोग की जल्द बात होगी। मध्य प्रदेश के विधायक दल के नेता हैं उमंग सिंगार जी, जो यहाँ सह प्रभारी थे, वो संभवतः उन्हें नियुक्त किया गया। कांग्रेस के विधायकों के बागी तेवर को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व तो भी घबरा गया है। ऐसे में निश्चित रूप से घबराहट उसकी देखने लायक है और जाहिर तौर पर झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर की केंद्रीय भूमिका इसमें है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल भी झारखंड के घटनाक्रम को लेकर बेहद सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस के इन 12 विधायकों ने अपना अलग समूह बनाकर पार्टी में नए चेहरों को शामिल करने की मांग की है। इस मांग पर भी गुलाम अहमद मीर को लगाया गया है कि किस तरह से विधायकों को संतुष्ट किया जाए। कांग्रेस के सारे विधायक कांग्रेस डिसिप्लिन को समझते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं, करते आए हैं। ये इस तरह की खबरें तो पहले भी कई बार उड़ाई गई, वो नाराज़ ये नाराज़, मगर उन सारे बैरियर्स को आपने देखा कि जो अभी रिसेंटली टेस्ट हुए, फ्लोर टेस्ट हुआ, नया सेटअप बना, तो कितना डिसेंट तरीके से हमारे सारे MLAs ने पार्टी के मौकफ के मुताबिक स्टैंड रखा। आज भी कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी के भी मन में कोई शिकायत है, क्योंकि पार्टी हाईकमांड ने सोच समझ के फैसला लिया है, वो सबको मान। झारखंड में अगर विधायकों की असंतुष्टि नहीं हो पाई और वो संतुष्ट नहीं हो पाए तो ऐसी स्थिति में झारखंड में कोई बड़ा खेल हो सकता है। चंपई सोरेन के शपथ ग्रहण लेने के साथ ही जिस तरह से उसके मंत्रिमंडल विस्तार होने के साथ ही कांग्रेस में बगावत की चिंगारी निकल आई है, ये चिंगारी कहीं महागठबंधन की आग को लपेटे में लेकर निश्चित रूप से महागठबंधन के सपने को ही राख न कर दे लोकसभा चुनाव में। इसके लिए बेहद ही सतर्कता कांग्रेस की ओर से बरती जा रही है। अब देखना है कि कांग्रेस के नेतृत्व की ओर से जो पहल की जा रही है वो कितना सार्थक हो पाता है या महागठबंधन में कोई और उम्मीद की नई किरण दिखाई देती है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।